हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस गेटवेज आई एम आशीष वर्मा इस वीडियो में कैंटी लीवर रिटेनिंग वॉल की प्रपोशनिंग कैसे करते हैं उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं और हमारी इकोनॉमिकल प्रपोश्निंग क्या होती है इन सब के बारे में डिटेल में कंसेप्ट के साथ बात करूंगा और स्पेशली जितने भी स्टेट पी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होने वाले हैं उस व्यू पॉइंट से जो भी कंसेप्ट उनको कवर करता चलूंगा सो लेट स्टार्ट पहला है कि हमारी प्रिलिमिनरी प्रोशनिंग ऑफ टी शेप्ड वॉल्स टी शेप्ड वॉल इज अ कैंटीलीवर वॉल जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो कैंटीलीवर वॉल है दो तरीके की हो सकती है इट कैन बी ऑफ टी शेप्ड एंड इट कैन बी ऑफ एल शेप्ड तो यहां पर मैं जनरली टी शेप्ड की जो प्रिलिमिनरी प्रपोशनिंग है वो कैसे करते हैं वो डिस्कस करूंगा यहां पर मैंने एक टी शेप की वर्टिकल रिटेनिंग वॉल दिखाई हुई है जिसमें

प्रिलिमरी प्रपोशनिंग का मतलब क्या है जब भी हम डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रिलिमिनरी डायमेंशंस एज्यूम करनी होंगी विथ सर्टेन अप्रॉक्सीमेशंस तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि डिजाइन स्टार्ट करते समय आप जनरली क्या डायमेंशंस इन तीनों स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की आप लेते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल डिजाइन कंसेप्ट ठीक है उसके बाद आप डिजाइन करते हैं और बीच में अकॉर्डिंगली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड ठीक है तो दिस इज द बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल डिजाइन कंसेप्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिकल प्रपोशनिंग के लिए अगर हम इस नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा ये मान लें कि दिस इज एल टोटल लेंथ ऑफ बेस बेसलैब एक्चुअली बेस बेसलैब में हमारे दो कंपोनेंट्स हैं हील स्लैब एंड टो स्लैब और बेस स्लैब की हमने टोटल लेंथ मान ली कि इट इज एल और जो हाइट ऑफ दी कैंटीलीवर वॉल है इसको मान लेते हैं स्मॉल एच फ्रॉम दी इसको लेते हैं टॉप फेस जो होगा हमारा बॉटम स्लैब का वहां से हाइट लेते हैं तो इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए जो प्रपोर्शनिंग है हमारी इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट की जो एल बाई एच रेशियो है ये हमारा मिनिमम होना चाहिए ठीक है इस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ हमारी रिलेशनशिप दी गई है विचार कि जो हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन है दिस इज द रिजल्टेंट रिएक्शन मान लेते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एट द बॉटम स्लैब एंड दिस इज द वेट जो हमारा सरचार्ज एंड जो मिट्टी का वेट है जो रिटेन अर्थ का वेट है एंड अलोंग विथ इस सेल्फ वेट इसको W मान लेते हैं और दिस रिजल्टेंट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ ये किस चीज का फंक्शन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है एंड लोकेशन ऑफ जो टोटल वेट हमारा डब्ल्यू एक्ट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड और लोकेशन क्या है एंड ये इंटरन डिपेंड करेगा कि हमारी जो डायमेंशन है हील स्लैब की एज वेल एज स्टेम की हमारी थिकनेस क्या रखी गई है उसके बेसिस पे ये हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन डिपेंड करेगा तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन है एल बाई एच मिनिमम आप जब करते हो तो थ्योरेटिकली जो आर है विच इज द वर्टिकल रिजल्टेंट स्वायल रिएक्शन शुड लाइन अप विद फ्रंट फेस ऑफ द वॉल ठीक है ये आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो हमारा वॉल है इसका ये फ्रंट फेस है जो रिटेन्ड अर्थ के साइड का पोर्शन है जो फेस है दैट इज कॉल्ड रियर फेस या इसको इनर फेस भी बोलते हैं आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इनर फेस और रियर फेस एंड फ्रंट फेस के टर्म्स में ही हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दिस इज द एक्सपोज्ड फेस जो एक्सपोज होगा बाहर के वेदर के लिए दैट इज कॉल्ड फ्रंट फेस ऑफ द कैंटीलीवर वॉल तो जो फ्रंट फेस है उससे हमारा ये रिजल्टेंट रिएक्शन लाइन अप होना चाहिए मीन्स इट शुड फॉल इन दिस लाइन फॉर एल बाई एच रेशियो टू बी मिनिमम एंड टू हैव द इकोनॉमिकल डिजाइन तो इसके बेसिस पर हमारे कुछ रिजल्ट डेराइव किए गए हैं जिसमें हमारा जो थिकनेस ऑफ बेस लैब है दैट इज जनरली टेकन एज एट परसेंट ऑफ हाइट और इसमें सर चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा हाइट हम कन्वर्ट करते हैं जैसा कि आपने सोयल मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ा है तो सर चार्ज हाइट को के इक्वलेंट जो हाइट होगी हमारी प्लस जो हाइट है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्टेम टू द बॉटम ऑफ द स्लैब उसका 8 परसेंट आपको मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब लेने दिस इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब जो आपको प्रीलिमरी प्रोपोर्शनिंग में लेनी है एंड और इट शुड बी ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड ठीक है और जनरली जो हमारी थिकनेस ऑफ स्टेम है दैट इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ बेस लैब या आप कुछ चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं ये इसी इकोनॉमिकल डिजाइन के बेसिस पर ये गवर्न होती हैं और इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा वर्टिकल स्टेम है ये टेपर्ड रखते हैं हम टेपर्ड रखने का पर्पस ये है बिकॉज ये हमारे ये जो वर्टिकल स्टेम ए बी है दैट इज अ वर्टिकल कैंटिलीवर और हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा इस फेस पर आ रहा है टॉप फेस ऑफ द बॉटम स्लैब तो इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम अपने क्रॉस सेक्शन को छोटा करते जाते हैं बिकॉज हमें वहां पे सेक्शन की रिक्वायरमेंट हमारी कम होती जा रही है तो हमारा मटेरियल की एक्सेस यूज हमें प्रिवेंट करना है तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो डिजाइन है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा तो इस वजह से इसकी टेपरिंग करती है और जो इसका ये फेस है जो फ्रंट फेस है इसे हम स्लोप्ड फेस को बोलते हैं बैटर्ड फेस तो जो बैटर यानी स्लोप रखना है वो जनरली हमारा वन इस टू फिफ्टी हम रखते हैं डिजाइन में और इस तरह टेपरिंग करते हैं कि जो हमारी टॉप हाइट है वो हमेशा टॉप विथ सॉरी ट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन फिफ्टी एम एम ठीक है वन फिफ्टी एम एम इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वर्टिकल कैंटिलीवर स्लैब ऑफ वर्टिकल स्टेम तो यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद आता है जो हमने ये बैटर प्रोवाइड किया वन इज टू फिफ्टी का इन फ्रंट फेस ऑफ द वॉल ध्यान रखना है आपको कि जो बैटर है हमारा फ्रंट फेस ऑफ वॉल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो पर्पज है बैटर का वो ये है टू ऑफ सेट डिफ्लेक्शन ऑफ स्टेम जो हमारा वर्टिकल स्टेप है इसके डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करना ऑटोमेटिकली ये डेफ्लेक्शन जो हो रहा है रिटेनड अर्थ की वजह से जो अर्थ प्रेशर आ रहा है उसको ये ऑफसेट करेगा एंड टू ऑफसेट पॉसिबल टिल्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ये हमारा दूसरा रीजन है कि जो हम बैटर प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं कैंटीलीवर रिटेनिंग वॉल में तो आपको ध्यान रखने है, दो बेसिक पर्पसेज हैं ठीक है यहां पर ये यह दो तरीके की मैंने कैंटिलीवर वॉल दिखाई हुई है टी शेप्ड वॉल एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ एल शेप्ड वॉल यहां पर हमारा दिस इज रिप्रेजेंटिंग एल काइंड ऑफ थिंग बेस विथ लार्ज हील कैंटीलिवर विथ लार्ज टो ठीक है तो दिस इज बेसिक द कंसेप्ट और जो भी हमारे ये तीनों स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं टो हील एंड स्लैब वर्टिकल स्टेम दीज आर डिजाइंड एज कैंटीलिवर स्लैब्स टू रजिस्ट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट और हमारा जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है जिसमें हम लोड फैक्टर जो लेते हैं वो 1.5 लेते हैं जो भी हमारे लोड हम कैलकुलेशन में डिजाइन में यूज करते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चरल एक्शन है इसको समझ लेते हैं जिसके बेसिस पे आप फर्दर डिजाइनिंग करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा रेनफोर्समेंट कैसे और कहाँ प्रोवाइड करना है तो उसका कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है टो स्लैब ठीक है तो टो स्लैब आपको जैसा कि यहां पर दिख रहा है ये जो पोर्शन है हमारा दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज इसको मैं शेड आउट कर ले रहा हूं दिस पोर्शन इज टो स्लैब यहां पर अब जो हमारी नेट प्रेशर एक्ट कर रहा है इस स्लैब के नीचे या ऊपर जैसा भी आप देखना चाहो नेट प्रेशर हमारा नीचे एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट जो नेट प्रेशर है दैट इज अपवर्ड ग्रॉस सोयल प्रेशर ये सॉयल प्रेशर दिखाया हुआ है दिस इज सोयल प्रेशर का वेरिएशन दिखाया है इसके बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं इट कैन बी ऑफ दिस दिस शेप तो इज द अपवर्ड ग्रॉस प्रेशर जो हमारा आ रहा है और जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं तो हम ये वाला जो मिट्टी का अर्थ का पोर्शन है हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज यहां पे हाइट बहुत कम होती है टो स्लैब के ऊपर तो दिस पोर्शन वेट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा सिर्फ जो डाउनवर्ड वेट बचेगा दिस विल बी द वेट ऑफ जो कंक्रीट का सेल्फ वेट है टो स्लैब का तो वेट ऑफ कंक्रीट ऑफ टो टोस्लैब माइनस कर देंगे तो आप देखोगे कि हमारा सोयल प्रेशर इज जनरली ग्रेटर देन दिस डाउनवर्ड वेट ऑफ कंक्रीट तो हमारा जो नेट प्रेशर होगा वो हमारा अपवर्ड होगा ये ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा नेट प्रेशर जो होगा इस स्लैब पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसको फेस मानते हुए इसको रिएक्शन फेस मानते हुए सपोर्ट सपोर्ट फेस मानते हुए ये हमारा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा अंडर द अपवर्ड लोड जब ऊपर की तरफ ये बेंड करेगा देर विल बी बेंडिंग बिहेवियर यहां पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स रोल प्ले करेंगे तो जो फ्लेक्चर इन्फोर्समेंट है अब बिकॉज हमारा टेंशन कहां पर आ रहा है नीचे वाले पोर्शन पे आ रहा है नीचे वाले फाइबर्स में हमारे टेंशन में आ रहा है इसीलिए हमारा जो टो स्लैब में हमारा रेनफोर्समेंट है इट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ टो स्लैब तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो हमारा फ्लैक्चर रेनफोर्समेंट है जिसे हम मेन रेनफोर्समेंट भी बोलेंगे ध्यान रखना है आपको इसको मेन रेनफोर्समेंट फ्लेक्चर एनफोर्समेंट जो कि बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है आपको दैट इज प्रोवाइडेड एट दी बॉटम ऑफ टू स्लैब ये पूछा जाता है एग्जाम में और ये रीजन ये है कि हमारा जो नेट सोयल प्रेशर है नेट प्रेशर जो एक्ट कर रहा है दैट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है और ये लेंथ कुछ एक्स्ट्रा दिख रही है दिस इज एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट आप लेंथ कह सकते हो जिसके कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं और अब आता है हमारा कि यहां पर क्रिटिकल सेक्शन आपको क्या लेना है फॉर डिजाइन कैलकुलेशन ये जान लेते हैं जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट लेना है ये हमारा फेस ऑफ जो हमारा फ्रंट फेस एक्चुअली क्योंकि हम फ्रंट फेस जो होगा दिस विल बी द फ्रंट फेस टो स्लैब के लिए फ्रंट फेस ऑफ वर्टिकल स्टेम तो फ्रंट फेस ऑफ स्टेम हमारा क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगा और जो शियर के लिए हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा ये होगा डी फ्रॉम दी डी क्या है हमारा दिस इज दफेक्टिव डेप्थ ऑफ दिस बेस स्लैब दिस इज डी और जो हमारा कवर रखना है मिनिमम जनरली हम कवर रखते हैं जो क्लियर कवर दैट इजन एज सेवेंटी फाइव एम एम इन बेस स्लैब यह भी आप ध्यान रख सकते हो कि जनरली हमारा जो बेस स्लैब रिटर्निंग वॉल की वहां पर हम कवर सेवेंटी फाइव एम एम देते हैं उसके बेसिस पे हम इफेक्टिव डेथ निकाल लेते हैं एंड दैट इफेक्टिव डेथ जो दूरी है हमारी वो यहां से कैलकुलेट करते हैं डी और यहां पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन यहां पर इसलिए लेंगे बिकॉज यहां पर जो बेंडिंग एक्शन हो रहा है इट इज डेवलपिंग अ कंप्रेसिव नेचर फोर्स एट दिस सपोर्ट ठीक है बिकॉज इट इज डेवलपिंग कंप्रेशन एट द फेस ऑफ सपोर्ट जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा कंप्रेशन रिएक्शन डेवलप कर रहा है एट दिस फेस तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा सीयर के लिए वो डी लेंगे एज पर आई एस फोर फाइव सिक्स ठीक है अब आते हैं हम दूसरे एलिमेंट पे दिस इज द सेकेंड एलिमेंट विच इज हील स्लैब अब हील स्लैब में क्या हो रहा है जो हमारा नेट प्रेशर एक्ट कर रहा है एक हमारा वेट ऑफ टोटल वेट है जिसमें इसमें हमारा रिटेन्ड अर्थ है हमारा सर चार्ज है और हमारा कंक्रीट का सेल्फ वेट है जो कि हमारा हील स्लैब का है तो ये वेट जो कि एक्टिंग डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ लग रहा है और देयर विल बी अपवर्ड ग्रॉस सॉयल प्रेशर तो यहां पर जो हमारा W ये क्वांटम है ये दैट इज ग्रेटर देन ग्रॉस एल प्रेशर तो जो हमारा नेट प्रेशर है ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ये आपको ध्यान रखना है जब ये नीचे की तरफ लगेगा तो ये पोर्शन है इसका डिफ्लेक्टेड शेप मैंने दिखाया हुआ है दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ हील स्लैब तो हमारा जो ऊपर वाला लेयर है यहां पर टेंशन हमारा टॉप फाइबर पर आ रहा है तो हमारा जो फ्लेक्चर इन्फोर्समेंट है दैट इज प्रोवाइडेड एट टॉप प्लेयर ऑफ हील स्लैब ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है और जो क्रिटिकल सेक्शन हम लेते हैं इनकेस ऑफ हील स्लैब फॉर बेंडिंग मोमेंट दैट इज टेकन एज रियर फेस ऑफ द स्टेम अब हमारा ये स्टेम था दिस फेस इस फेस को हम कहेंगे रियर फेस ऑफ स्टेम जिस पर जहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट लेना है जो नेट डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसकी वजह से यहां बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है एट द फेस ऑफ द रियर फेस ऑफ द स्टेम जिसे इनर फेस भी बोलेंगे तो रियर फेस ऑफ स्टेम विल बी द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर हील स्लैब और जो शेयर के लिए हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा वो हमारा फेस ऑफ द स्टेम ही होगा बिकॉज यहां पर डी दूरी पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन नहीं होगा बिकॉज यहां पर जो डाउनवर्ड फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो यहां पर हमारा जो सपोर्ट पर जो नेचर है फोर्सेस का वो टेंसाइल नेचर है जिसकी वजह से हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर है दैट इज टेकन एज द रियर फेस ऑफ द स्टेम डी दूरी पर नहीं लेना है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये बिकॉज यहां पर चांसेस है बिकॉज यहां टेंशन डेवलप कर रहा है एट द फेस ऑफ द वॉल तो हमारा इंक्लाइंड क्रैक जो डेवलप हो सकता है मे प्रोपोगेट इन साइड रियर फेस ऑफ द वॉल यह स्टेप मान सकते हैं मतलब अगर आप यहां पर कंप्रेशन ले लोगे तो क्रिटिकल सेक्शन आप डी दूरी पर चले जाओगे तो अगर हमारा कोई टेंशन की वजह से जो क्रैक डेवलप हो रहा है वो हमारा स्टेम के अंदर प्रोपोगेट कर जाएगा इसलिए सेफ, सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। हम अपना क्रिटिकल सेक्शन शेयर का फेस ऑफ द स्टेम पे लेंगे इन केस ऑफ हील स्लैब नॉट एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम दी सपोर्ट तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद हमारा थर्ड है स्टेम ठीक है स्टेम जो है हमारा दिस इज डिजाइंड एज द वर्टिकल कैंटीलीवर, बिकॉज यहाँ पर यह वर्टिकल पोजिशन में है तो इसे वर्टिकल कैंटीलीवर स्लैब की तरह हम डिजाइन करते हैं विच इज शोन ही यहां पर जो क्रिटिकल सेक्शन है हमारा शेयर का दैट इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम टॉप ऑफ बेस स्लैब इसका मतलब यह है कि हमारा जो बॉडी बॉटम स्लैब का टॉप है यहां से डी दूरी पर इस सेक्शन पे हम क्रिटिकल शेयर कंसीडर करते हैं और बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फेस ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम स्लैब होगा इसे हम सपोर्ट फेस ऑफ सपोर्ट भी बोल सकते हैं फेस ऑफ टॉप ऑफ बेस स्लैब ठीक है और जनरली हमारा जो क्लियर कवर रहता है वो हमारा 50 एम mm रहता है फॉर मेन रेनफोर्समेंट ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है ड्यू टू दिस एक्टिव अर्थ प्रेशर इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप यहां पर आएगा ऐसा आएगा और जो हमारा टेंशन होगा दैट विल डेवलप ऑन द रियर फेस ऑफ द वॉल यहां पर इसलिए जो मेन रेनफोर्समेंट है जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है दिस इज द मेन रेनफोर्समेंट विच इज प्रोवाइडेड ऑन द रियर फेस ऑफ द वॉल्ड इसीलिए जो वर्टिकल स्टम है इसका जो टेंशन रेनफोर्समेंट है यानी फ्लैक्चुर रेनफोर्समेंट है वो हमारा रियर फेस की तरफ प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज यहां पर जो एक्टिव अर्थ प्रेशर डेवलप हो रहा है वो हमारा इसको इस तरह बैंड करने की कोशिश करता है इस स्लैब को तो इसकी वजह से हमारा टेंशन जो है इसके रियर फेस पे

शेयर इज द डिजाइन मेन डिजाइन क्रिटेरिया ठीक है अब फ्लेक्चुर एन्फोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज यहां पर जैसे जैसे आप जाओगे मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट हमारा अगर आप इसका रफली बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह आएगा तो सिंस बैंडिंग मूवमेंट हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो वी डू द करटेलिंग ऑफ एनफोर्समेंट करटेलमेंट ऑफ एनफोर्समेंट मतलब इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए हम अपने इनफोर्समेंट को करटेल कर देते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बिकॉज ऊपर हमारा रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कम है बिकॉज बेंडिंग मोमेंट पे हमारा कम है तो यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इस वजह से यहां पर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होगा द बेस लैब ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है तो जो करटेलमेंट करते हैं अभी उसके बारे में भी बात कर लेंगे तो कर्टेलमेंट जनरली हमारा दो स्टेजेस में करते हैं ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है टू स्टेजेस में करते हैं इसमें स्टेजेस जो डिवाइड की गई हैं, वो हमारा बॉटम स्लैब से वन थर्ड पोर्शन है और उसके ऊपर का टू थर्ड पोर्शन है टू थर्ड हाइट और जो वन थर्ड हाइट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ स्लैब दिस लोकेशन से जो हमारी वन थर्ड हाइट आ रही है यहां से अगर इसको हम मान लें एच है, है तो एच वाई थ्री ये है और टू एच थ्री हमारा ये है एच बाई थ्री पे हम टू थर्ड ऑफ दी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और टू एच बाई थ्री हाइट पे हम वन थर्ड ऑफ दी रेनफोर्समेंट जो मेन फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करते हैं इसी तरह ये तो मेन रेनफोर्समेंट की बात हो गई अब जो ये आपको राउंड बार्स में दिख रहा है दिस इज कॉल्ड टम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट ये जो रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है दिस इज दी लॉन्गिट्यूडनल फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट ब्लू और पिंक कलर से एंड जो रेड कलर से आपको दिख रहा है दिस इज दी हॉरिजेंटल एनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं विच इज टेम्परेचर एंड श्रिंकेज एन्फोर्समेंट ठीक है और आई एस कोड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम टेम्परेचर एंड श्रिंकेज एन्फोर्समेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है रिटेनिंग वॉल्स में दैट इज टेकन एज पॉइंट वन टू परसेंट ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन एंड दिस इज प्रोवाइडेड ट्रांसफर्स यानी परपेंडिकुलर टू मेन एनफोर्समेंट के परपेंडिकुलर हम प्रोवाइड करते हैं तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है और इसी तरह हम जो कंटेनमेंट का कंसेप्ट यहां पर है वैसे ही यहां पर मतलब टू थर्ड ऑफ द रेन्फोर्समेंट हम वन थर्ड हाइट में प्रोवाइड करेंगे और वन थर्ड हाइट में हम टू थर्ड इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लैब बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द स्लैब और यहां पर आपको जो ये रेन्फोर्समेंट दिख रहा है ब्लैक कलर से ये हमारा दिस इज द नॉमिनल रेनफोर्समेंट जो कि हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम इन द फ्रंट फेस ऑफ वॉल अब यहां पर क्यों प्रोवाइड करने की जरूरत है बिकॉज यहां पर ये एक्सपोज है ये वाला फेस एक्सपोज होने के कारण देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स टू कैटर फॉर श्रिंकेज क्रैकिंग नॉमिनल रेनफोर्समेंट इन फ्रंट फेस इज प्रोवाइडेड ठीक है तो उसमें हमारा जो नॉमिनल रेनफोर्समेंट है इट इज कंपोज ऑफ हॉरिजेंटल एनफोर्समेंट एज वेल एज वर्टिकल इन्फोर्समेंट जिसका कर्टेलमेंट हम उसी तरह करते हैं जैसे हमने मेन एनफोर्समेंट का दिस इज दर्टिकल इन्फोर्समेंट और जो ये आपको राउंड बास दिख रहे हैं प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द्रिंकेज क्रैकिंग ध्यान रखना बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने कवर किए आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये मैंने यहां पर एनफोर्समेंट दिखाया हुआ है कैंटीलिवर रिटेनिंग वॉल का विच इज एल शेप्ड कैंटीलीवर वॉल यहां पर ये मेन स्टील बार दिख रही है एंड दिस इज द हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एज द टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी बोल रहे हैं और ये हमारा श्रिंकेज क्रैकिंग कंट्रोल स्टील बोलते हैं जो कि हमारी फ्रंट फेस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है और ये हमारा स्लैब है बॉटम स्लैब जनरली यहां पर हमारा जो ये पोर्शन है दिस इज यहाँ पर टोटली totally यहां पर हमारा मेजर जो पोर्शन है दैट इज टो स्लैब तो हमारा जो बॉटम इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे टू केटर फॉर द फ्लैक्चर एनफोर्समेंट यहां पर मैंने एक्चुअल uh, में साइट में कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है दिखाया हुआ है दिस इज द एल शेप्ड रिटेनिंग वॉल एंड यहां पर ये जो रेन्फोर्समेंट दिख रहा है दिस इज वर्टिकल मेन फ्लक्चरल एनफोर्समेंट ठीक है और इसके अंदर एक रो और आती है इसमें आप क्लियरली दिख नहीं रहा इसमें दो रोज हैं एक्चुअली तो जो अंदर वाली रो है दैट इज द फ्रंट फेस के लिए जो एन्फोर्समेंट है वो है विच इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द्रिंकेज क्रैकिंग ऑफ द स्टील श्रिंकेज क्रैकिंग ऑफ द कंक्रीट तो दिस इज एक्चुअल जहां पर एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है कैंटीलीवर वॉल्स का वो मैंने कुछ फोटोज लिखाई फॉर बैटल स्टेशन आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो मैं फर्दर काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दूंगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू